السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا نبي الملاهم اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان محسن پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा हम है मुस्लिम ये पूरा जहां हमारा। ये कोई मत भूले कि ये तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह कोई महदूद है, ये पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान इनके ऊपर हमने कोई जालिम और जो है ना गद्दार हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं तो ये मगरूब हो जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। मैं पहले इन दोस्तों से बात करूं जो धूप से छुप रहे थे, जो आज इस हल्की सी धूप से छुपने के लिए साइडों पे जा रहे हैं। आप वो मंजर देखें, मैदान महशर का मंजर होगा, सूरज भी आज बहुत दूर है, ये सवा नेजे पे होगा। आज उल्टी साइड है, उस टाइम साइड भी सीधी हो जाएगी। आज जमीन मट्टी की है, तब जमीन भी तांबे की हो जाएगी। ना कोई दरख्त होगा, ना खाने को चीज होगी, ना पीने को चीज होगी, ना कोई शजर होगा, ना कोई सहारा होगा। सब अपने अपने पसीने में यहाँ तक डूबे हुए होंगे, भाग रहे होंगे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सहारा होगा और उस सहारे का नाम लिवाउल हम्द है। वो परचम हमारे इमाम अंबिया के पास होगा और उस परचम के साए के तले सिर्फ वही आ सकेगा, सिर्फ वही आ सकेगा जो आज रसूलुल्लाह से प्यार करके जाएगा, जो आज रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस पर पहरा दे के जाएगा। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आज आप यहाँ यह हल्की सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बताए वो धूप कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस धूप से आप बचे और लिवाउल हम्द का साया नसीब हो, तो आज दुनिया में हुजूर ने अपने तर्जमानों को भेजकर लब्बैक या रसूलल्लाह का परचम बुलंद करवाया है। जो उस परचम के साए तले खड़ा होना चाहता है, आज हुजूर के इस लब्बैक या रसूलल्लाह के परचम के साए तले आ जाए। रहेगा यूं ही उनका जिक्र, उनका रहने रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आज आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और ये हमारी रैली और पाकिस्तान का मतलब, जब पाकिस्तान बना था तब भी यही था, आज भी यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगाने का मतलब क्या। ना ये सियासत के लिए नारा लगाया गया, ना रोटी के लिए नारा लगाया गया, ना मुल्क अलग करने के लिए नारा लगाया गया। नारा इसलिए लगाया गया कि हम ये खिता इसलिए हासिल कर रहे हैं जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होगा और बुलंद होगा और तख्त पर कानून भी मुस्तफा का होगा, जहां फैसले भी कुरान और हदीस के होंगे। जिस मकसद के लिए बना था, आज हजूर के ये गुलाम उसी मकसद के लिए दोबारा आ गए हैं, दोबारा आ गए हैं और इस मुल्क को उसी मकसद की तरफ वापस लेकर जाना है। और मैं हम ये रैलियां इसलिए निकालते हैं तो हमको बताना चाहते हैं, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि औरतें दुपट्टे उतार कर बाजारों में आए, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि हमारी नौजवान नस्ल मोटरसाइकिलों की बैंसियां निकाले और बाजारों में शोर करे, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि ये बाजे बजा कर शोर गोल करें, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहाँ कंजर खाने किए जाएं, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहाँ मंदिर बनाए जाएं, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि मसाजिद शहीद की जाएं, ये मुल्क इसलिए बना कि यहाँ रसूलुल्लाह का नारा बुलंद किया जाए। दारे खत्मे नबूवत और इस अजीम मिशन, इस मकसद की तरफ जो आई है काम, वो सिर्फ तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह है। जो पार्टी इस मिशन के साथ खड़ी है उसका नाम तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह है। हर किसी का मिशन अपना अपना है, जितनी तंजीमें हैं हर किसी का अपना अपना मिशन है। किसी के मिशन में, किसी के मंशूर में ना लब्बैक या रसूलल्लाह जैसा कोई मंशूर है, ना पाकिस्तान के दिफा का किसी के पास मंशूर है, ना रसूलल्लाह की इस नमूस का किसी के पास मंशूर है, ना खत्मे नबूवत का किसी के पास मंशूर है, ना अवाम के तहफ़ुज़ का किसी के पास मंशूर है। कोई फौज को भौंकता है, कोई मुल्क की गद्दारियां करता है, ना ना लब्बैक या रसूलल्लाह ऐसा करने वाली नहीं है। लब्बैक या रसूलल्लाह सिर्फ मैदान में इसलिए आई है कि इन तमाम गद्दारों को निकाल कर इस मुल्क को पाक किया जाए और
फरमाते थे पूरी दुनिया के नंबर वन फौज पाकिस्तान को मिली है तो पाकिस्तान का कानून भी दुनिया का नंबर वन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मिला है। तो जैसे फौज है इसी तरह कानून भी पाक पर लाया जाए और उसके मुताबिक फैसले हों। और हमने जो नौजवान अभी रैली लेकर शरीक हुए हैं अहला मसालन मरहबा कहते हैं। इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वो काफी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, फिर इनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। जमीन और आसमान के दरमियान नौजवान नस्ल को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, ये जालिम इनकी कोई हैसियत नहीं है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जमीन और आसमान के दरमियान अगर नौजवान नस्ल हजूर की गुलामी में खड़ी हो कुछ भी रुकावट नहीं बन सकती, तो ये कमीने क्या कर सकते हैं, हमारा मुसीबत आप लोगों ने करनी है। और हमने ये रैली का नाम रखा है लबैक आजादी मार्च, लबैक आजादी मार्च। ये क्यों रखा है, पिछले दिनों बड़े लोग कह रहे हैं आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे कायदे मोहतरम ने फरमाया नचण वाले दे पुत्र कभी आजादी की जंग नहीं लड़ सकते। तारे खत्मे नबूवत आजादी की जंग सिर्फ वही लड़ सकते हैं जिंदे कोल मिशन हुसैनी होवे। आजादी की जंग वही सिर्फ लड़ सकता है जिंदियां रगा में खून हुसैनी होवे। आजादी की जंग सिर्फ वही लड़ सकता है जिन्हें यह जुमला याद होवे कि इमाम अली मुकाम ने ऐसे सामने स्पीकराने में दसो कि साड़ी रैली पहले दी, अगर अमन चाहते हो तो स्पीकर बंद कर दो। सिर्फ आजादी की जंग वह बंदा लड़ सकता है जिन्हों इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मैदान करबला जितो या बयान याद होवे। आपने फरमाया था, आपने फरमाया सी कि यह बदन जब बने मरण वास्ते है, इमाम अली मुकाम ने फरमाया यह जिसम जब बने मरण वास्ते है फिर क्यों ना हजूर दी नाम ते मिट के मर जाइए, फिर क्यों ना हजूर दे नाम ते कट के मर जाइए, फिर क्यों ना उस्ताद रसूल नु पढ़ के गाजी अब्दुल कादिर साहब दी तरह जेल जा के चले जाइए, गाजी मलिक मुंतजिम कादिर साहब दी तरह चले जाइए। सुन लो ये मुल्क बनया हजूर दी खातिर, अगर किसी ने चूहा भी कीती ना ते टंग के रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, बड़े साथ हो जाए जल जाए।